हेलो फ्रेंड्स, ये अपना सैंड है। हम इसका सैंड टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि सैंड सिल्ट कितना है, क्या है। तो ये हमारा साइड का सैंड है। यहाँ पे हम जाके इसको लेबोरेटरी में अभी टेस्ट करेंगे और इसमें सिल्ट कंटेंट देखेंगे कि सिल्ट कंटेंट कितना है। ओके, चलिए हम लेबोरेटरी की ओर चलते हैं। ये हमारा कैंप है, ये हमारा साइड का कैंप है। ये हमारे अपने लेबोरेटरी में चल के आपको दिखाते हैं कि कितना हमारा क्या है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम इसमें आपको सैंड टेस्ट कर रहे हैं। इसमें सिल्ट कंटेंट कितना होता है वो हम इसमें टेस्ट करेंगे। ये मिलीग्राम दिया हुआ है 50, 100, 150, 200। ठीक है, इसमें हम 100 मिलीग्राम भरते हैं सैंड को। ये 100 मिलीग्राम हमने यहाँ पे 100 भर दिया साइन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें 150 ml पानी भरेंगे। हम इसमें देखिए पानी डाल रहे हैं, 150 ml पानी डाल रहे हैं। ये 150 ml हमने पानी डाला। ओके, थोड़े मिनट पास में लगी, यहाँ लगी 150 ml। फिर इसके बाद हम इसमें से थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें क्या होता है, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 6%। ओके, फिर इसके नमक डाल के इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इसको पूरा हिला देंगे। हिला देंगे, मिक्स हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये पानी, पानी के बॉटम और सैंड के टॉप में जो लेयर बनेगा वो सिल्ट का लेयर बनेगा। ओके, तो हम 1 घंटे बाद आपको दिखाएंगे इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर उसमें हम सिल्ट कंटेंट फाइनल करेंगे कितना हमारा सिल्ट इसमें आ रहा है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें सिल्ट कंटेंट का आ गया है। 1 घंटे बाद हमने इसको टेस्ट किया, तो देखिए ये जो लेयर है ये सिल्ट का लेयर है। ओके, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कि कितना हमारा सिल्ट कंटेंट है। चलिए हम इसे मेजर कर लेते हैं। तीन परसेंट है आपका इसमें सिल्ट कंटेंट। ओके, तो अच्छा है, ये सैंड अच्छा है। ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा ये पानी सफ़ेद हो गया है, तो इससे हमारा सिल्ट कंटेंट कंप्लीट होता है। और ये 3% का इसमें, अगर इसमें अगर हम 6% से ज़्यादा आता है तो हमारे यूज लाइक नहीं रहेगा। मोर देन 6% चाहिए, 3% मिला तो ये सिल्ट अच्छा है। ओके, थैंक यू।